सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पबजी पुजारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं आप सबके बीच एक और नई वीडियो लेकर। अगर आपने ये सेटिंग कर ली तो आपकी गेमिंग और भी बेटर हो सकती है फ्रेंड्स। तो आइए जानते हैं वो कौन सी सेटिंग है जो आपकी गेमिंग को और भी बेटर बना सकती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 फिंगर क्लॉ सेटिंग एंड 4 फिंगर क्लॉ सेटिंग। आप सब में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो सिर्फ 2 उंगलियों से ही खेलते होंगे, तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। ये वीडियो आपकी गेमिंग को और भी बेटर बना देगी। अगर फ्रेंड्स आपने सेटिंग जान लिया और अपने मोबाइल में कर लिया ना फ्रेंड्स, तो आप एक बहुत ही बेहतर पबजी प्लेयर बन सकते हैं। तो आइए हम आपको पहले 3 फिंगर क्लॉ सेटिंग करके दिखाते हैं अपने स्क्रीन पर। तो सबसे पहले दोस्तों, हम यहाँ पर कर लेते हैं अपने 3 फिंगर के हिसाब से अपने सारे आइकॉन्स की सेटिंग। ये सारे आइकॉन्स आपको यहाँ पर इम्प्रॉपर शो हो रहे होंगे, तो हम इनकी प्रॉपर अरेंजमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इन सब आइकॉन के यूज भी बताए हुए हैं अपनी पिछली वीडियो में, तो आप लोग वो सब भी जाके देख सकते हैं। तो आइए कर लेते हैं हम अपने सारे आइकॉन की अरेंजमेंट अपने 3 फिंगर के हिसाब से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ पे सिर्फ आइकॉन की अरेंजमेंट कर रहे हैं। अगर आप राइट हैंडेड प्लेयर हैं तो आप ये सेम सेटिंग कर सकते हैं, और अगर आप लेफ्ट हैंडेड प्लेयर हैं तो आप ये राइट साइड वाली सारी अरेंजमेंट लेफ्ट साइड में कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने सारे आइकॉन के अरेंजमेंट कर ली है, और अब हम आपको मेन स्क्रीन पर ले जाकर आपको सारे सेटिंग के यूज और कैसे गेम को बेटर बनाया जाए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने मेन स्क्रीन पर, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारे सारे आइकॉन की अरेंजमेंट। सो फ्रेंड्स, हम पहले बात करेंगे 3 फिंगर क्लॉ सेटिंग के बारे में। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हम कैसे ऑपरेट कर रहे हैं सारे आइकॉन को। आपको भी इसी तरीके से अपने मोबाइल को पकड़ लेना है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से हम अपने सारे आइकॉन्स को अरेंजमेंट किए हैं और इसको ऑपरेट कर रहे हैं। हमने राइट साइड स्क्रीन की आइकॉन के अरेंजमेंट एकदम पास में किए, जिससे आप देख पा रहे होंगे हमें ऑपरेट करने में इजी हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा हमने 3 फिंगर क्लॉ सेटिंग के हिसाब से कैसे गेम खेली है, और आप भी चाहें तो इस तरीके से अपने आइकॉन्स की अरेंजमेंट कर सकते हैं और आप भी अपने गेमिंग को बेटर बना सकते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं 4 फिंगर क्लॉ सेटिंग के बारे में, जिसे हम आपको बताने वाले हैं 4 उंगली की मदद से कैसे गेम को खेली जाए। तो आइए चलते हैं हम सब 4 फिंगर क्लॉ सेटिंग के अरेंजमेंट की तरफ। और यहाँ पे हम आ गए हैं आइकॉन के अरेंजमेंट वाले पेज पर, जहाँ पे हम आपको बताएंगे आइकॉन्स के अरेंजमेंट 4 फिंगर के हिसाब से कैसे की जाएगी। ये जंप वाले ऑप्शन को हम ले लेते हैं लेफ्ट साइड, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है, और फिर ये बुलेट वाले ऑप्शन को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, और ये नीचे बैठने वाले ऑप्शन को नीचे ले लेना है, और इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, और इसके साइड में जस्ट स्लिपिंग वाले ऑप्शन को रख लेना है, उसको भी थोड़ा बड़ा कर रख लेना है। स्कोप वाला आइकन को भी थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, और ये पीक वाले ऑप्शन को हम अरेंज कर लेंगे अपने स्क्रीन के लेफ्ट साइड में दोनों ऑप्शन को, और उसके बाद ये ड्राइव वाला आइकन को और डोर ओपन वाला आइकन को स्क्रीन के साइड में हम सेव कर लेंगे, जिससे हमें बीच में ज़्यादातर स्पेस मिले खेलने के लिए। और ये जो छोटे वाला आइकन से, इनकी भी अरेंजमेंट आपको प्रॉपर कर लेनी है, और ये अरेंजमेंट अगर आपने प्रॉपर नहीं की तो आपको गेम खेलते वक्त ये बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर हमारे आइकॉन के अरेंजमेंट हो चुकी है, और अब हम ले चलेंगे आप सबको अपने मेन स्क्रीन पर, जहाँ पर हम आपको खेल के दिखाएंगे 4 फिंगर से। ये 4 फिंगर वाली सेटिंग में आपको अपने मोबाइल को कुछ इस तरीके से पकड़ लेना है, जिससे आपको 4 फिंगर से खेलने में ईजी पड़े। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 4 फिंगर के नीचे एक एक आइकॉन है, जिसका हम यूज आपको एक साथ करके दिखाएंगे, आप देखते रहिए। वैसे फ्रेंड्स, ज़्यादातर गेमर्स 4 फिंगर क्लॉ सेटिंग प्रीफर करते हैं, जिसमें उन्हें खेलने में ईजी पड़ता है। मैं भी यही वाले अरेंजमेंट से गेम खेलता हूँ, तो आप भी अगर चाहें तो यही वाली सेटिंग करके अपने गेम खेल सकते हैं और गेम को बेटर बना सकते हैं। इसमें आपको अपने दोनों थंब और दोनों इंडेक्स फिंगर का यूज करके गेम खेलना होता है, जिसमें आप पार्टली ऑपरेट कर पाते हैं, एक साथ 4 ऑप्शन को ऑपरेट कर पाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कैसे हम एक साथ 4 उंगलियों की मदद से गेम खेल रहे हैं, आप भी इस तरीके से खेल सकते हैं, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी। जैसे जैसे आप खेलते जाएंगे आपकी गेमिंग बेटर होते जाएगी। फ्रेंड्स, मैंने भी जब ये अरेंजमेंट स्टार्टिंग में की थी ना, तो मुझे भी बहुत डिफिकल्ट जा रहा था, मुझे भी खेलने नहीं आ रहा था। फिर बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे मैं खेलता गया, मेरी प्रैक्टिस बढ़ती गई और मेरी गेमिंग बेटर होती गई। तो आप भी ये अरेंजमेंट कर सकते हैं, और इससे आपकी गेमिंग भी बेटर हो जाएगी। भाई, मेरे हिसाब से 3 फिंगर क्लॉ सेटिंग और 4 फिंगर क्लॉ सेटिंग में अगर आप पूछोगे ना कौन सा बेटर है, तो मैं तो बोलूँगा कि 4 फिंगर क्लॉ सेटिंग ही बेटर है, क्योंकि इसमें आप एक साथ आप 4 ऑपरेशन ऑपरेट कर सकते हो, और अपनी 4 उंगली की मदद से फास्टली गेम खेल सकते हो। इसमें आप रन कर सकते हो, डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, जंप कर सकते हो, बुलेट फायर कर सकते हो एक साथ। बट जो 3 फिंगर वाली क्लॉ सेटिंग है ना फ्रेंड्स, उसमें आपका आइकॉन्स पास में होने की वजह से आपका टैप करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसको भी आप बेटर बना सकते हैं। जैसे जैसे आप खेलते जाएंगे आपका वो गेमिंग बेटर होता जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। हम आपको अगले वीडियो में आपको गायरोस्कोप सेटिंग और गायरोस्कोप का यूज करके बताएंगे।
और ये जो लेफ्ट और राइट बैंड वाला ऑप्शन है ना, ये कहाँ से इनेबल होता है ये भी हम आपको बताएंगे और इसका यूज बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, कमेंट में बताना सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा वीडियो का, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना।